हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट और ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने वेबसाइट में या ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हो और कंटिन्यूअस बेसिस पे कैसे लेकर आ सकते हो। ठीक है गाइस, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं यहां पर, कि अगर आप एक नया ब्लॉग या फिर एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो, या फिर ऑलरेडी आपका एक वेबसाइट या ब्लॉग चल रहा है, आप अपना होस्टिंग चेंज करना चाहते हो, अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाओगे तो आपको एक भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां पर जाके आप अपना होस्टिंग परचेस कर सकते हो। तो ये ब्लू होस्ट की होस्टिंग रहेगी। तो यहां पर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर जाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम ऑफर हो सकता है, फिलहाल काफी टाइम से चल रहा है मेरे लिंक के थ्रू, एक महीने से मेरे लिंक के थ्रू ये ऑफर आपको मिल रहा है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और गाइस, अगर आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग के लिए एक अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग टूल ढूंढ रहे हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें भी आपको नॉर्मल जो प्राइस रहती है उससे अच्छा खासा डिस्काउंट हमारे लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और गाइस, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। अब इसमें से जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से दो चार चीजें ऐसी होगी जो आपने पहले भी सुनी होगी, ठीक है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस चीजों में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे आपका वेबसाइट हो या फिर आपका ब्लॉग हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ब्लॉग हो तो आप रेगुलर पोस्ट करोगे ही करोगे, लेकिन अगर वेबसाइट होती है तो हमारे पास उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर आपका एक मतलब कंपनी का पेज हो सकता है, या फिर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाइस, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी वेबसाइट जिसमें रेगुलर चीजें अपडेट नहीं होती है, ठीक है, वेबसाइट का मतलब वही होता है कि रेगुलर अपडेट नहीं होता, लेकिन फिर भी आज के डेट में लोग वेबसाइट के अंदर भी रेगुलर चीजें अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि जब तक अपडेशन आती रहती है तब तक उसकी रैंकिंग बढ़ती रहती है, ठीक है। तो हमारा सबसे मेन चीफ टॉपिक तो यही होगा कि पोस्ट रेगुलरली, आपको रेगुलरली पोस्ट करते रहना है। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाते हैं, अब वेबसाइट पे तो हम रेगुलरली कुछ पोस्ट करते नहीं है, जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतने प्रोडक्ट्स होंगे, अब आगे बढ़ेंगे नहीं हम। तो गाइस, अब ऐसे में होता क्या है, काफी सारे लोग अपने वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग का अलग से पेज क्रिएट करते हैं। अब वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम एक ब्लॉग पोस्ट करते हैं ना, ब्लॉग हम लिखते हैं उसको पोस्ट करते हैं, तो हम उसको सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। अब क्योंकि देखो, जो वेबसाइट होती है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हम डालते हैं, वो जिस दिन हम डालते हैं ऑलरेडी हम शेयर कर चुके होते हैं, सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। अब रेगुलरली करने के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं है, तो ऐसे में हम क्या है कि ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। हर हफ्ते एक एक पोस्ट डालो जरूरी नहीं है, अगर वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं ये, तो जरूरी नहीं है कि आप डेली डालो, हर हफ्ते में पोस्ट करो, लेकिन रेगुलरली आप पोस्ट करते रहो उस वेबसाइट में। और ब्लॉग है तब तो आप करोगे ही करोगे, जो जो भी लोग ब्लॉग लिखते हैं या तो वो डेली करते हैं या फिर ऑल्टरनेट करते हैं या फिर वीकली करते हैं मंथली करते हैं, लेकिन करते जरूर है, एक रेगुलर बेसिस में पोस्ट वहां पे आते हैं। लेकिन वेबसाइट में, वेबसाइट का मतलब ही ये होता है ना कि फ्रेश कंटेंट नहीं होता है वेबसाइट में, उसी को वेबसाइट बोलते हैं। रेगुलर जिसमें पोस्ट नहीं आते हैं, फ्रेश कंटेंट नहीं होता है, उसी को वेबसाइट बोलते हैं। तो वेबसाइट के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ट्रैफिक लाने के लिए हमें ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ ना, ये पोस्ट रेगुलरली वाला जो चीज है ये ब्लॉग के लिए जरूरी है, लेकिन वेबसाइट के लिए जरूरी नहीं होता है। ये सिर्फ कहते हैं ना, बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है ये, ठीक है। अगर आप करोगे तो अच्छा होगा, नहीं करोगे तो ठीक है चलेगा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट रेगुलरली जो मैं कह रहा हूँ, अपने ब्लॉग पोस्ट को आपको रेगुलरली पोस्ट करना है, फिर कुछ ना कुछ अपडेशन उसमें लाते रहो, वेबसाइट में कोई नया कंटेंट ऐड करो, कुछ ना कुछ नई चीज उसमें लाते रहो, ताकि आपके वेबसाइट में कुछ ना कुछ अपडेशन आएगी। वो चीजें जब अपडेट होती है ना, वो वेबसाइट्स रैंक ज्यादा अच्छा करती है, ठीक है, ट्रैफिक भी उसमें ज्यादा आती है। अब दूसरी चीज ये गाइस, अब पहला टॉपिक हमने देख लिया पोस्ट ब्लॉग्स रेगुलरली, अब दूसरा है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी को कोई माल बेच, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे आप, या फिर आप नॉलेज दे रहे होंगे अपने ब्लॉग्स के थ्रू। लेकिन गाइस, फिर भी आज के डेट में ना, जब क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, सिर्फ इतना सा करने से काम नहीं बनता है, ठीक है, सब कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो सब बेच रहे हैं, ब्लॉग बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन ऐसे में उन लोगों से हमको थोड़ा हटके रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि आप यूनिक चीजें करो, अब गाइस इतनी भी यूनिक नहीं होती यार चीजें, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो कि हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके बताते हैं, ठीक है, वो यूनिक हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि आपको एक सब डोमेन क्रिएट करना है, ठीक है, आपने एक डोमेन खरीद लिया, अब आपको सब डोमेन क्रिएट करना है,
अब सब डोमेन को खाली दो ही तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो या तो हम सब डोमेन के अंदर जाकर डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमें एक पूरा वर्डप्रेस वेबसाइट मतलब एक अलग से आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। वो दो तरीके होते हैं, मैंने अपने दोनों तरीके की वीडियोस बना रखी है अपने, तो आप जाके वो भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये दो तरीके होते हैं, अब जितने भी लोग ये वीडियोस बनाएंगे ना, वो इन दोनों में से कोई ना कोई तरीके से बनाने वाले हैं, तो ये एक फैक्टर रहता है। तो यूनिक हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि आप कुछ दो उनको फ्री में, ठीक है, नॉलेज तो दे ही रहे हैं हम ब्लॉग के थ्रू, नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन अगर हम मान लो कि अब ये क्यों है ये भी आगे बताऊंगा मैं। जैसे आप कुछ फ्री में दे सकते हो, जैसे कोई ई बुक बना दिया आपने, आपने कोई ई बुक बना रखा है, तो वो ई बुक आप उनको फ्री में दे, आप जरूरी नहीं है कि आप ई बुक 200-500 पेज का बनाओ, आप 4 पेज का भी ई बुक बना के दे सकते हो, है ना। तो चार, अब देखो अब देखिए, अब सीधी सी बात है, ई बुक या 10-15 पेज का नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों को क्या पता कि आपका ई बुक 4 पेज का ही है, ठीक है। अगर उनको उसमें से कुछ वैल्यू मिलेगी ऐसा लग के वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देखा जाए तो कभी भी इस तरीके से चीट नहीं करना चाहिए, लेकिन यार काफी सारे लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर कोशिश करो कम से कम 10-20 पेज का ई बुक प्रोवाइड करो, और उसमें कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए उन लोगों को, ऐसा नहीं कि आपको उनसे ईमेल आईडी लेना था या फोन नंबर लेना था, इस वजह से आप उनको कुछ भी दो, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड होना चाहिए, भले 4 पेज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है। तो कुछ ईबुक हो सकता है, या फिर आप एक लाइव सेशन रख सकते हो, ठीक है, उस लाइव सेशन को देखने के लिए उनको उसमें रजिस्टर करना पड़े, इससे क्या होगा कि आपके पास ईमेल आईडी आ जाएगी, तो ईमेल आईडी का क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे क्या होगा कि वो लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे, सेम उस टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे आप लाइव होने वाले हो, ठीक है। आप वेबिनार्स रख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे जिससे आपकी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक आएगी, आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि आपका इस दिन आपका लाइव सेशन रहने वाला है, या फिर आपकी वेबसाइट पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ईबुक फ्री में डाउनलोड कर लो, आपको ये सारी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी। इससे क्या करेंगे लोग आपके जो है वेबसाइट पे बार बार आएंगे, उनको आप आपकी वेबसाइट उनके माइंड में याद रह जाएगी उनको, और उस ई बुक के अंदर आपको अपनी ब्रांडिंग जरूर करनी है, क्योंकि जब भी वो उस ई बुक को पढ़ेंगे ना, उनको आपकी वेबसाइट ही याद आएगी, ठीक है, मैंने ये ई बुक यहाँ से डाउनलोड किया है, ठीक है। वो एक तरह से आपके मार्केटिंग का काम करेगा वो ई बुक, देखा जाए तो उनको भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपकी उसके थ्रू आपकी मार्केटिंग भी हो रही है। आपने देखा होगा जब भी कोई ट्यूशन सेंटर जो होते हैं वो अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर वाटर मार्क लगा के भेजते, ताकि एक तो दूसरी बात ये कि कोई उसको आगे और सेल ना कर पाए, ठीक है, दूसरी चीज ये है कि किसी के भी सामने जाएगी उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है। तो इस चीज की वजह से आपको भी इस तरीके अपना वाटरमार्क थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है, लेकिन ऊपर नीचे कहीं पर भी आप उस ईबुक के अंदर अपना कुछ ऐड कर लो, और हो सके तो वाटरमार्क ही यूज करना, नहीं तो कोई दूसरे लोग आपका ईबुक उठा के बेचने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये ना हो पाए इसलिए आप हमेशा वाटरमार्क डाल के अपने ईबुक्स वगैरह सेल कर सकते हो, सेल नहीं करना मतलब फ्री में आप प्रोवाइड करवा सकते हो, जिससे आपको लोग आपके न्यूज़लेटर को साइन अप करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। तो कुछ भी अगर आप फ्री में दोगे ना, तो लोग आपको याद भी रखेंगे और आपकी वेबसाइट बार बार आएंगे भी सही। अब तीसरी बात, तीसरा होता है आपको एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है, एक ऑडियंस क्रिएट करनी है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपको। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, डेटाबेस यूं ही क्रिएट नहीं होता है। अगर आप अपने वेबसाइट पे एक फुटर में एक न्यूज़लेटर साइन अप करने का ऑप्शन, तो क्यों क्यों करे कोई न्यूज़लेटर साइन अप, मान अगर आपका ब्लॉग हो तो फिर ठीक है, नए नए ब्लॉग्स आ जाए, उनके पास अपडेट्स आ जाए, इसलिए वो न्यूज़लेटर साइन अप करेंगे, बाकी वेबसाइट्स और इन सब में क्यों करेंगे न्यूज़लेटर साइन अप, और ब्लॉग में भी ज्यादातर लोग नहीं करते जब तक कि उनको कुछ कोई ऐसा प्रोडक्ट वहां से नहीं, फ्री में कोई चीज जब तक नहीं मिल रही होगी ना, कोई वैल्यूएबल चीज आप उनको फ्री में जब तक नहीं देते, तब तक तो कोई भी आपका न्यूज़लेटर साइन अप नहीं करता है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन रहता है न्यूज़लेटर साइन अप करना है, वो तो आपको रखना ही रखना है, भले आप कुछ फ्री में दो या ना दो, न्यूज़लेटर साइन अप करने का ऑप्शन तो आपको रखना ही है, क्योंकि अगर आपको किसी को आपका ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो वो बिना बोले बिना कुछ किए डायरेक्टली न्यूज़लेटर साइन अप कर लेगा, क्योंकि उन्हें पता है रेगुलरली यहाँ पे चीजें आ रही है तो न्यूज़लेटर साइन अप करना है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, पोस्ट तो आप रेगुलर डाल ही रहे हो, आप न्यूज़लेटर साइन अप भी आपने करा रखा है, लेकिन ऊपर ही ऊपर आप फुटर में कहीं ना मतलब हेडर में आप कहीं ना कहीं ये चीज दे सकते हो कि हमारे अभी ऑफर चल रहा है, आपको फ्री में पूरा का पूरा ईबुक मिल रहा है, फ्री आपको लाइव वेबिनार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आपको खाली साइन अप करना है और इस टाइम पे आपको लाइव आना है, आप हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर सकते हो, या फिर अगर लाइव नहीं भी आ पाते हो तो उसके बाद आपको ऑफलाइन वो आप उसको देख सकते हो, मतलब जब लाइव खत्म हो जाएगा तो पब्लिश हो जाएगी हमारे उसके अंदर वो वीडियो, आप उसे बाद में भी देख सकते हो, लेकिन लाइव में क्या हुआ वो अपने क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे, कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, न्यूज़लेटर साइन अप करे ना करे वहां पर क्लिक करेंगे ताकि उनको वो ईबुक मिल जाए या फिर वो लाइव वेबिनार अटेंड कर पाए, और उस पर क्लिक करके वो अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर देखो डिपेंड करता है, कभी भी मोबाइल नंबर को कंपलसरी मत रखना, क्योंकि क्या होता है ना कि मोबाइल नंबर कंपलसरी, काफी सारे लोग अपना मोबाइल नंबर देना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी में किसी को दिक्कत नहीं है, तो इससे क्या होगा वो अपना ईमेल आईडी देंगे,
और अपना हो कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, अगर आपको उनको कोई बात हो, कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करना तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। बाकी ये ईमेल आईडी वो दे देंगे, तो जब भी आप एक नया ब्लॉग पोस्ट डालते हो वो आप अपना ईमेल मार्केटिंग कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने कहा डेटाबेस क्रिएट करना, तो डेटाबेस कैसे क्रिएट होगी, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000 इतने लोग जब आपके उस ई बुक के लिए आपको साइन अप करेंगे, अपना ई मेल आई डी देंगे, तब जाके आपके पास एक ई मेल आई डी का डेटाबेस क्रिएट होगा। फिर आप उन सबको जब भी आप एक नया ब्लॉग पोस्ट आप डालते हो तो उन सबके पास उसका नोटिफिकेशन भेज सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो उनको, ठीक है। आप फिर आप एक टाइम आएगा जब आपके पास अच्छा खासा एक ईमेल का मतलब ईमेल का कलेक्शन होगा आपके, वो भी जेन्यून, ऐसा नहीं कि मार्केट से आपने ईमेल आईडीज खरीद ली, वो चीज़ नहीं, जेन्यून चीज़ें जो आपने खुद ने क्रिएट की है। तो ऐसे लोगों को आप अपने प्रोडक्ट्स सेल भी कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट होगा तो आप उनको सेल कर सकते हो बाद में, तो ये इससे आपकी अर्निंग भी आएगी। लेकिन फिलहाल बात हो रही थी डेटाबेस की, तो इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी, जैसा कि मैंने कहा पहले न्यूज़लेटर साइन अप करवाना, ईमेल तो ई बुक वगैरह दे के आप उसको साइन अप करा सकते हो। दूसरा और तीसरा पॉइंट कनेक्टेड है, पहला आप उनको फ्री में दो ताकि वो आपके आपके वेबसाइट को याद रखे, दूसरा उसमें जब वो अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो आपके पास एक डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये तीन पॉइंट्स हमने कवर कर ली, पहला था पोस्ट रेगुलरली, दूसरा ई बुक वगैरह फ्री में देना, तीसरा एक डेटाबेस क्रिएट करना। तो गाइस इसके बाद का जो काम है वो है सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, आपके पास सोशल मीडिया पेजेस होने चाहिए, ठीक है। आपके ब्लॉग के नाम से, आपकी वेबसाइट के नाम से आपके पास सोशल मीडिया पेजेस होने चाहिए, चाहे ट्विटर हैंडल हो, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, जो कुछ भी है, यूट्यूब चैनल हो, जितना कुछ आप कर सकते हो, जहां जहां आप अपना पेज बना सकते हो वहां सब आपको करना चाहिए। अब तो खैर गूगल प्लस नहीं रहा, नहीं तो गूगल प्लस पे भी करना चाहिए था, पहले करते थे, आज के डेट में खैर वो है ही नहीं, तो यार बात नहीं है। तो मतलब पिंटरेस्ट पे हर बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है, उन सब पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि इससे दो बातें होती है। एक तो ये है कि अगर आप प्रोफाइल बनाओगे तो आप उस पर एक्टिव रहोगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज रहेगी कि लोगों को लगेगा कि ये जो भी है, वो जो भी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है या फिर उनका ब्लॉग है, ये एक जेन्युइन लोग है। और जेन्युइनिटी कैसे पता चलती है, जब हम हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हम फेसबुक पे भी है, हम ट्विटर पे भी है, हम पिंटरेस्ट पे, हम यूट्यूब पे, हम टम्बलर पे है, हम जब सब जगह पर होते हैं, तो हमारी जेन्युइनिटी इससे पता चलती है, ठीक है। तो अकाउंट बनाओ तो इन सब पे बनाना है और सेम डे बनाना है, नहीं तो क्या होगा कि वो जो ट्विटर हैंडल होता है वो आपका हो सकता है किसी दूसरे ने यूज कर लिया अगर पहले ही, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करने वाला काम अच्छा नहीं होता है, तो काफी सारे लोगों को एडजस्ट करना पड़ जाता है ऐसे केस में। लेकिन इसके लिए ये करना कि जब भी आप एक नया डोमेन लेते हो अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, तभी आपको अपने सारे अकाउंट्स बना लेने चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, ये चीज आपको होना बहुत जरूरी है। और उस पर आपके फॉलोअर्स वगैरह आप जैसे बढ़ाना चाहो, अगर आप एड्स चला के बढ़ा देते हो तो इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ इसको, इस पेज को 10,000 जने फॉलो करते हैं, मतलब जेन्युइन लोग हैं, 10,000 जने इनको फॉलो करते हैं, इसमें जेन्युइन ही होंगे ना, तो ये आप एड्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जेन्युइन नॉर्मली ऑर्गेनिकली करने में टाइम लगता है ना, तो जेन्युइनिटी क्रिएट करने के लिए काफी सारे लोग लाखों रुपए बिगाड़ते हैं इसके पीछे, बिगाड़ते नहीं है, एक तरह से यूटिलाइज करते हैं वो, जब क्योंकि यार देखो फेसबुक पे जब हम लाइक्स बढ़वाते हैं एड्स का, देखो वो एक तरह से बिगाड़ना ही होता है, क्योंकि वो जो इंगेजमेंट रहती है ना वो बहुत कम रहता है, इसलिए मैंने कहा कि बिगाड़ना होता है। लेकिन जो नंबर ऑफ लाइक्स होते हैं ना, जब वो लोग देखते हैं तो तब यूटिलाइज हो जाती है वो चीज, तो सिर्फ उस चीज के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फेसबुक एड्स पे। तो ये आप भी कर सकते हो, फेसबुक से आप एड चलाओगे तो फेसबुक पे चला सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो और इससे आपके पेज के फॉलोअर्स बढ़ेंगे और इससे आपकी जेन्युइनिटी बढ़ेगी। तो ये हो गया सोशल मीडिया पे आपको अकाउंट्स बनाने। अब इसके बाद आता है जो सोशल मीडिया पे आपने अकाउंट्स बनाए हैं उस पर आपको रेगुलरली शेयर करनी है, आपको रेगुलरली पोस्ट करना है, ताकि यूँ लगना चाहिए कि आप एक्टिव हो उस पर, ठीक है। हमने एक पेज बना के छोड़ दिया, पेज अगर खाली है तो उससे भी हमारी जेन्युइनिटी नहीं आती है। आपको रेगुलर जब भी कोई बंदा आपके पेज को विजिट करे तो उसको देखना चाहिए, पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम एक पोस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, कम से कम एक पोस्ट होना चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि ये लोग एक्टिव नहीं है। तो इस चीज के लिए आपको रेगुलरली उस पर पोस्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करेंगे कि आपको सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स जो होते हैं अपने हर ब्लॉग पोस्ट के नीचे, हर प्रोडक्ट के नीचे, वेबसाइट पे कोई भी आपका पेज हो, हर पेज पे आपका सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक हमने जितनी बातें की उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं। अब
इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे बात करेंगे। इससे होगा क्या कि लोग आपके ब्लॉग पोस्ट को या फिर अपने आपके प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पर, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनके फ्रेंड्स देखेंगे और उनके फ्रेंड से उनके फ्रेंड्स देखेंगे, और मतलब ये इससे क्या होगा, हमारे खुद की मार्केटिंग होती रहेगी और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे ब्लॉग्स को शेयर करते रहेंगे। और जितने ज्यादा हमारी चीजें शेयर होती है उतना ही ज्यादा गूगल अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाता है ऊपर, तो इससे हमारी ट्रैफिक बढ़ती है। और शेयरिंग से तो वैसे भी आएगी ट्रैफिक, क्योंकि लोग अगर शेयर करेंगे तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट पे आएंगे, तो उससे और ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ये सारी चीज जरूरी है, शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हो सके तो कितने लोगों ने शेयर किया ये भी डिस्प्ले हो जाए, वो भी आप लगा सकते हो। बहुत सारे प्लगइन्स है यार, बहुत सारी चीजें हैं वर्डप्रेस में, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। और गाइस होस्टिंग का, अगर आप होस्टिंग का ढूंढ रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको ब्लू होस्ट में अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे चेक कर सकते हो। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि सोशल शेयरिंग बटन आपको लगाना है, तो इससे लोग आपके वीडियो शेयर करेंगे। और आगे मैं और थोड़ी चीजें डिटेल में बात करूंगा। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहां पर एक कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना तो आप भी समझ लो कि आप अपने 50% जो यूजर्स है उनको आप खो दोगे, ठीक है। कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, काफी सारे लोगों को तो अच्छा लगता है तो वो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आप बोलोगे नहीं, काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि यार सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़लेटर साइन अप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज सब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। तो उन लोगों को हमें बताना होता है, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो हमारे सब्सक्राइबर्स और ये सब चीजें कम होगी, तो हमें बताना है इस चीज को, ठीक है। कि अब बोलो उनको, आप जब भी अपने ब्लॉग को खत्म करते हो, कोई ब्लॉग आर्टिकल आप लिखते हो उसे खत्म करते हो, उनको बोलो कि अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो सोचेंगे ठीक है ब्लॉग पढ़ लिया तो अब काम हो गया तो अब निकलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर वो करके जाएंगे तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट पड़ता जाएगा। यूट्यूब पर जैसे मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सारी चीजें आपको ब्लॉग में भी बोलना है, ठीक है। ये आप अगर बोलते जाओगे कंटिन्यूअसली तो इससे आपके जो सब्सक्राइबर्स है, आपका सब्सक्राइबर बेस जो होगा बढ़ता जाएगा, लोग शेयर करेंगे, जो लोग मन से शेयर करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का हम बोल देते हैं ना तो बोलने से वो शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें वो आर्टिकल अच्छा लग गया हो तो हम जैसे बोल और देंगे ना तो उसके बाद वो शेयर कर देंगे, तो इससे भी हमें बेनिफिट मिलता रहता है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद आता है हमें हमेशा थैंकफुल रहना होता है हमारे रीडर्स के लिए, तो क्योंकि वो रीडर्स ही है जिसके वजह से हम लोग ये आर्टिकल्स लिखते हैं और वही हमें बड़ा बनाते हैं, वही हमारे, वो अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारे आर्टिकल्स का कोई मतलब नहीं निकलता। जब हमारे आर्टिकल्स को लोग देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तभी उनकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो उनके हमेशा थैंकफुल रहना है अपने रीडर्स के लिए, क्योंकि वही लोग होते हैं जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। हमेशा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना, तो सॉल्व तो हम कर ही रहे, लेकिन वो अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। तो जब देख रहे हैं तो उनको उसके लिए एक बार थैंक्स बोल देना, थैंक्स बोलने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर जैसा कि मैंने कहा था सोशल शेयरिंग बटन्स के बारे में मैंने बात की थी, जैसे ही आप अपना ब्लॉग आर्टिकल जो है वो कंप्लीट करते हो तो उसके बाद वहां पर आपको थैंक्स बोलना है, थैंक्स बोलने के बाद आपको कॉल टू एक्शन लगाना है, मतलब अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जैसे ही शेयर कर सकते हैं बोल दे, उसके नीचे उनको वो बटन्स दिखने चाहिए, जो शेयरिंग बटन की जो मैंने बात की थी वो बटन उनको वहां पे दिखने चाहिए, ताकि वो उनके दिमाग से बात जाने से पहले बटन दिख जाए ना तो वो शेयर कर देंगे। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें होती है यार, क्योंकि मैं अगर आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक कोई गेम लॉन्च हुआ था तो उन लोगों ने जो गेम को परचेस करने का जो बटन था वो पहले सबसे नीचे लगाया था, तो उनकी सेल्स नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक महीने बाद जब उस बटन को ऊपर लगाया, टॉप पे हेड पे हेडर पे जब लगाया तो उनकी सेल्स 50% से ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो लोगों को सही टाइम पे सही चीजें दिखानी होती है, तभी जाके लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो वो चीजें बहुत जरूरी है, आप पहले थैंक यू बोलो, फिर कॉल टू एक्शन से सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करने की बात करो, और शेयर करने का बटन आपको वहीं उसके पास में नीचे उसी टाइम देना पड़ेगा, ताकि शेयर करने की बात उनके दिमाग से निकले, इससे पहले वो बटन उनको दिख जाए और वो इजिली शेयर कर दे, ठीक है। अब आपका लिंक कॉपी करेंगे, फिर वो अपने प्रोफाइल में जाएंगे, फिर वो शेयर, इतने मेहनत कोई नहीं करता है यार, तो उनके लिए चीजों को इजी बनाओ, बटन्स दो, फिर वो डायरेक्टली उनको उनको उस चीज तक लेकर जाओ, आपके आर्टिकल्स को इस तरीके से डायरेक्ट करो कि वो उस बटन्स तक पहुंचे, ठीक है, फिर उससे वो आपके उसको शेयर करेंगे। तो थैंकफुल रहना है आपको हमेशा, और वहीं से ये चीजें शुरू होगी, ठीक है।
उसके बाद हमारे बात आती है एंगेजमेंट, ठीक है। अब एंगेजमेंट का यहाँ पर बात ये नहीं कि फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सारी चीज तो यूट्यूब पे होती है। एंगेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कोई कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो आप उनका जवाब जितना जल्दी हो सके उतना देने की कोशिश करो, क्योंकि इसी से लोगों को आप पर एक भरोसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें जवाब मिलेंगे, ये एक हमारे लिए सबसे सही जगह। अगर हमें कुछ सीखना है तो इस बंदे से सीखना है, इसके वेबसाइट पर हमें सीखने को मिलेगा, और डाउट होगा तो ये बंदा क्लियर करेगा, ठीक है। ये मन में, लोगों के मन में हमारे लिए एक भरोसा क्रिएट करता है कि हम उनको सही टाइम पे जवाब दे रहे हैं, हम उनके कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। कोई अगर बोल रहा है कि सर ये इस चीज पर एक ब्लॉग लिख दो, हम उसको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो ब्लॉग लिख के उनको दे देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। जितना जल्दी आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, जितना जल्दी हम आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, उतना ही ज्यादा आपके ब्लॉग के लिए अच्छा रहेगा। लोगों को कभी भी आपको भूलने मत दो, ठीक है। जैसे कि मेरा ये वीडियो आ रहा है कि 15 दिन बाद आ रहा है, कि मैं कुछ बीच में कुछ काम के बीच में बिजी था तो मेरा ये वीडियो मैं नहीं बना पाया, तो 15 दिन बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे में यार लोग जो मुझे याद रख रहे थे वो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग मुझे भूल चुके होंगे। तो रेगुलरली पोस्ट करना, रेगुलरली लोगों के कमेंट्स के जवाब देना, इससे लोग आपको भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है। तो इसके बाद आता है जो सबसे लास्ट अभी चीज होती है, कोलैबोरेशन, ठीक है गाइस। तो कोलैबोरेशन करना जो, तो ये मैं आप या देखो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको कोलैबोरेट करना ही करना, मैं ये आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोलैबोरेट करना इतना इजी काम नहीं होता है। अगर आप किसी के पास भी गए, किसी को भी आपने कॉन्टैक्ट किया, वो बोलेंगे ठीक है आ जाओ कोलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ना तो यूट्यूब पे होता है ना ही ब्लॉग पे होता है। लेकिन गाइस कोशिश करते रहो, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करो। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ इस बंदे के साथ कोलैबोरेट करने में मेरा भी फायदा है, तो ऐसे में वो बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, वो आपके साथ कोलैबोरेट करेगा। कोलैबोरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहो तो आप यूट्यूब पे कोलैबोरेट कर लो और उसको अपने ब्लॉग के साथ आप एम्बेड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ब्लॉग से ही कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। जैसे कि आप परफेक्ट होंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में, सामने वाला परफेक्ट होगा वेब डिजाइनिंग में, तीसरा कोई परफेक्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो आप इन लोगों से एक इंटरव्यू टाइप आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने कहाँ कहाँ से सीखा, आपने कहाँ प्रैक्टिस की और किस तरीके से आपने डेवलप किया। अगर आपका कोई ब्लॉग है तो आपने ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कितने टाइम में ग्रो हुआ, इस तरीके के इंटरव्यू टाइप आप एक ब्लॉग बना सकते हो और उसको अपने इसमें पोस्ट कर सकते हो या फिर सामने वाले के ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, ताकि उनकी ऑडियंस अपने पास आए, अपनी ऑडियंस उनके पास जाए, ठीक है, दोनों का उसमें फायदा रहता है। लेकिन सब ये करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो ग्रो होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी आपको कोलैबोरेट करने नहीं देगा जब तक आपके पास एक छोटी मोटी ऑडियंस भी अगर नहीं होगी। अगर आप कम से कम आपके पास 1000 जनों की भी अगर ऑडियंस नहीं होगी तो लोग आपसे कोलैबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार कि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, भले ही पैसा ना लग रहा हो लेकिन टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से लोग कोलैबोरेट नहीं करते, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आपको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बना के रखना पड़ेगा, अगर आप एक नीश पे काम करते हो उस नीश पे आपको रेगुलरली काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो नीश ही आपकी पहचान है, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक नीश पे काम नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन वो मेरा टारगेट कुछ और ही है, ठीक है। तो वो इस वजह से मैं एक नीश पे काम नहीं करता हूं, लेकिन लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एक नीश पे काम करो आप, क्योंकि उस एक नीश पे ही आप आगे बढ़ सकते हो, कि वो बहुत ज्यादा है, वो हमारी पहचान बन जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपने ब्लॉग पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेकर आना चाहते हो, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफी सारी चीजें आपको पता रही होगी, काफी सारी चीजें मैंने बता दी, कुछ एडिशनल चीजें मैंने बताई है कुछ, क्योंकि चीजें लोग यूज करते हैं लेकिन क्यों यूज कर रहे हैं तो उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता, वो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और कुछ भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का आंसर जरूर करूंगा। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।